आज हम आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होती हैं और फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं और इन्हीं के अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम या एग बनते हैं और इसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज़ है। तो टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और ये प्रोसेस प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है। तो जो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती हैं, यानी कि स्पर्म मदर सेल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीज़न करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो माइटोसिस से सपोज करो ये 3 हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे, 300 ऐसे बन जाएंगे, मतलब कई गुना तक ये अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन अभी तक इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2n होते हैं, यानी कि ये कैसा होता है? डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड म्यूटिक डिवीज़न करेंगी, तो उसको जो अब बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो इनमें से जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होने के लिए तैयार होंगे उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न होगा और म्यूटिक डिवीज़न फर्स्ट जब होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ रह जाते हैं और 2 सेल्स बन जाती हैं। अब ये जो 2 बन गए हैं इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा। किस तरह से डिवीज़न होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बनी NN वाली, जिसको प्राइमरी मियोटिक डिवीज़न है। अब सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न में फिर से हर एक सेल से 2 सेल बन रही हैं और इसका प्लॉयडी लेवल क्या होगा? N होगा और इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो क्या करेगा? उसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होने के बाद 4 इक्वल हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी और इन हैप्लॉयड सेल्स को क्या बोल दिया? स्पर्मेटिड बोल दिया। अब इन स्पर्मेटिड से, ये स्पर्मेटिड तो राउंडेड हैं स्ट्रक्चर में, इन स्पर्मेटिड से इनका स्पर्म की शेप में चेंज होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्म्स में चेंज होना स्पर्मियोजेनेसिस है। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो ये स्पर्म है उसका हेड सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहता है और फाइनली फिर ये उस सर्टोली सेल को छोड़ के रिलीज़ हो जाएगा और सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल से बाहर निकलेगा। तो ये इनका रिलीज़ होना, सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल से इन स्पर्मेटोजोआ का रिलीज़ होना कहलाता है स्पर्मिएशन। तो ये आपने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में।